हम खिचड़ी बाजार पर लेकर आ गए हैं गॉड फिगर्स का शानदार वीडियो। इस बार बात होगी सिल्वर गॉड फिगर्स की। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, देखिए कितना खूबसूरत राम दरबार है, पूरा राम दरबार ब्यूटीफुल। अप्रोक्सीमेटली 60,000 का ये पीस रहेगा। दिस विल बी अराउंड 40,000 रुपीस। दिस विल बी अगेन अराउंड 15,000 रुपीस। ये 60,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली 60,000। खूबसूरत गॉड फिगर्स, सिल्वर गॉड फिगर्स आप अपने सामने देख रहे हैं दोस्तों। आपकी डिमांड पे एक बार फिर से हम खिचड़ी बाजार पर लेकर आ गए हैं गॉड फिगर्स का शानदार वीडियो। इस बार बात होगी सिल्वर गॉड फिगर्स की। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल। मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त, कैसे आपको यहाँ पहुँचना है आपको मालूम चलेगा अभी, लेकिन पहले देख लीजिए खूबसूरती, देख लीजिए कितनी बारीकी से इसको बनाया गया होगा, कितना समय लगा है इसमें, क्या प्राइस है इसका, सब कुछ आपको बताने वाले हैं हमारे विनीत जी। सर हाउ यू, कैसे हैं? ऑल वेल जी, ऑल वेल। अच्छा, सबसे खास बात तो ये है कि मैं आज जहाँ पे हूँ वो दिल्ली की सबसे पुरानी ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पर मुगल्स भी आते थे और सर मुझे बताएंगे। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता देता हूँ पहले। ही इज़ द फोर्थ जनरेशन, विनीत सर फोर्थ जनरेशन है जो यहाँ पर ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इनकी खुद की है और ज्वेलरी का हर एक आइटम आपको यहाँ मिलने वाला है। लेकिन आज बात फिलहाल होगी गॉड फिगर्स की। इसके बाद एक वीडियो जो आएगा वो आएगा बाकी चीज़ों पर सिल्वर की। लेकिन फिलहाल जी शॉप का नाम बता दीजिए और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैं पहुँचूँ कैसे यहाँ, मतलब हमारे दोस्त पहुँचे कैसे यहाँ? ये हमारी शॉप दिल्ली में है, दरीबा कला मेन मार्केट में। 1728 इज द शॉप नंबर बाय द नेम ऑफ दुर्गादास सेठ। इट इज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 बाय माई ग्रैंड फादर। और तब 56 1957 से 57 हम इसको बिजनेस को रन कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास मेनली सिल्वर आर्टिकल्स, गोल्ड ज्वेलरी, सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, लेकिन आज हम बात करेंगे फिलहाल गॉड फिगर्स की, ठीक है, फाइन। ये देखिए खूबसूरत गॉड। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, इसमें भी कैरेट होता है, आपने मुझे बताया विनीत सर, है ना? हाँ जी, इसमें भी कैरेट होता है। तो दिस इज ऑल 92.5 हॉलमार्क सिल्वर आर्टिकल्स। अच्छा, तो कैसे पहचाना जाए, सबसे पहले मुझे बताए पहचाना कैसे जाए, पहचान होती है वो इसमें? फॉर लेमैन इट्स वेरी, इट्स नॉट इजी, बट फॉर अ प्रोफेशनल ही कैन, बाय सीइंग इट ही कैन जज इट। अच्छा, अदरवाइज वी हैव अ स्टोन जिसको कसौटी पत्थर कहा जाता है। अच्छा, जिस पे हम इसको रब करके वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिल्वर। अच्छा, और गोल्ड। अच्छा, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म बाय व्हिच वी कैन मैनेज टू सी हाउ द आर्टिकल इज। ऑलराइट, मतलब कैसे देखते, कैसे पहचानते हैं? जस्ट रबिंग इट ऑन द स्टोन, ओके, वी गेट द टेक्सचर एंड कलर, बाय दैट वी कैन जज इट। जस्ट ओवर पास्ट ऑफ एक्सपीरियंस वी कैन डू इट। ऑलराइट, ये भी हमारे लिए नई चीज है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत सी खास और नई चीजें आपको खिचड़ी बाजार में पता चलती है। अच्छा विनीत सर, आ जाते हैं इसी बात पे कि सबसे ज्यादा आजकल गॉड फिगर्स कौन से लोग पसंद कर रहे हैं, कौन से लेके जाते हैं और क्या प्राइसेस है, क्या वैरायटीज क्या होती हैं इसमें? सारे गॉड फिगर्स चलते हैं, सबके अपना अपना बजट होता है। किसी को भारी पसंद है, किसी को हल्का पसंद है, गिफ्टिंग के लिए अलग रेंज होती है, मतलब रेंज स्टार्ट हो जाती है अंदाजा कोई 2,000-2,500 से लेके लैक्स में भी जाती है। अच्छा, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क। शुरुआती कीमत क्या है? लगभग 2,500-2,500 रुपये समझ सकते। आप मुझे दिखा सकते हैं वो पीस? अच्छा, मैं क्योंकि देख पा रहा हूँ कि पहले जो है इतनी बारीकी से काम शायद नहीं होता था, या होता था? होता था, तब हाँ। भी होता था, आज भी होता है। अच्छा, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेटर्स अच्छे आ गए हैं, आपके पास मैकेनिक्स अच्छे हो गए हैं जो उसके लिए काम करते हैं, जो मशीनरी अच्छी आ गई है, तो थोड़ी सी फिनिश और बेटर हो गई है उससे। कितना समय लगता होगा, मतलब ये मशीन का काम है सारा, हाथ का काम होता है? बोथ, हाथ से भी होता है, मशीन से भी होता है। हाथ से पहले उसको एक मशीन से जो है उसके मोल्ड बना दिया जाता है, देन उसके बाद हाथ से कारीगरी करी जाती है। अच्छा, मेनली सीजन मुझे लगता है कि दिवाली वगैरह पे ज्यादा बिकता होगा। जी, दिवाली पे ज्यादा सीजन रहता है। अच्छा, लेकिन आपके पास पूरे साल ईयर काम रहता है हमारे पास? अच्छा, तो होलसेल या रिटेल? वी डू बोथ। अच्छा, ठीक है।
होलसेल लेते हैं तो ज्यादा लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा और सॉरी सस्ता पड़ेगा आपको, लेकिन अगर सिंगल पीस लेते हैं तो थोड़ा फर्क मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये होलसेल की बहुत पुरानी मार्केट है, होलसेल की मार्केट है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी अपना यूनिट है जहाँ पे सब चीजें मैन्युफैक्चर होती है। कुछ कोई खास ऐसी इसमें वो है गॉड फिगर जो आप मुझे दिखाना चाहें? सारी खास है आजकल, तो गॉड तो सारे ही खास है आजकल, राम जी का ज्यादा है तो इसमें राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी चल रहे हैं आजकल हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत राम दरबार है, पूरा राम दरबार ब्यूटीफुल। इसमें भी डिफरेंट साइजेस रहते हैं, नेक्स्ट साइज आ गया, उसके बाद आप चाहेंगे तो उसके बाद भी नेक्स्ट साइज आ जाएगा एंड और इवन बिगर ऑल्सो। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 का ये पीस रहेगा, दिस विल बी अराउंड 40,000 रुपीस, दिस विल बी अगेन अराउंड 15,000 रुपीस, ये 60,000 रुपए का अप्रॉक्सीमेटली 60,000। अच्छा, सबसे महंगी कौन सी है अभी फिलहाल गॉड फिगर्स में अगर मैं पूछूं तो? सबसे महंगी इधर आगे लगी हुई है हमारे पास काउंटर में, बड़ी साइज की है काउंटर में जो लगी हुई है, और कस्टमाइज भी हो जाती है क्या लोग अपने हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बनवा सकते हैं, अगर आपको कस्टमाइज करानी है यू कैन गिव मी द फिगर और पिक्चर, आई कैन मेक इट। कितना समय लेंगे? डिपेंड करता है उसमें कैसा काम है, मतलब मोस्टली एक महीना तो लग ही जाता है एक पीस को अच्छे को बनाने में। अगर कोई अपना फ्रॉम द स्क्रैच अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो अपना, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जल्दी से एक बार फिर एड्रेस बता दीजिए, अपना नंबर भी दे दीजिए। मेरा नाम विनीत सेठ, दुकान का नाम दुर्गा दास सेठ ज्वेलर्स, 1728 दरीबा कलान चांदनी चौक, 9811081326। थैंक यू सो मच मीचा, थैंक यू, सी यू अगेन, दोबारा से आएंगे एक वीडियो फिर बनाएंगे दोस्तों, अगला वीडियो होगा चांदी के हर एक आइटम का होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करेंगे तो मुझे भी फायदा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए किसी बाजार के।